हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल खाना खजाना विथ रानू में। आज आपके साथ मैं नारियल के पराठा की रेसिपी शेयर करूंगी। यहाँ पे जो पानी वाला नारियल आता है मैंने उसको ले लिया था, उसे तोड़ के ग्रेट कर लिया है। इसे हमें भून लेना है। अब इसका पानी सारा सूख जाए, पानी सारा सूख गया, इसमें हमने आधा कटोरी चीनी लिया था वो डाल दिया है। याद रहे कोकोनट जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसमें चीनी मिक्स करना है। हमने चीनी मिक्स कर लिया है। चलिए आटे का डो बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक कटोरी आटा लिया है, एक थाली में डाल लेंगे उसे। इसके बाद इसे हम पानी से नहीं गूंथेंगे, दूध के साथ गूंथेंगे। मैंने एक कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के सॉफ्ट आटा हम गूंथ लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए सॉफ्ट आटे का डो बन के तैयार हो गया है। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट बाद हमने यहाँ पे एक चकला लिया है, इसके ऊपर घी लगा लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर सूखा आटा भी लगा सकते हैं। मैंने एक आटे की गोली ले ली है, इसे ऐसे हाथ के मदद से, आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम जो मिक्सर बना के तैयार किया था वो फिल कर देंगे कोकोनट और चीनी की। उसके बाद इसे हम अच्छे से कप बंद कर लेंगे। हाथ में लेके इसे प्लेट बनाते हुए अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। फिर इसे ऐसे सर्कल शेप में घुमा लेंगे। ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा है आप चाहे उसी में दबा दीजिए या फिर इसको कट करके निकाल दीजिए। इसे फिर हम हल्के हाथ से बेलन की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया है, अब चलिए हम सेकते हैं। मैंने एक तवा चढ़ा दिया था, उसके ऊपर गर्म हो गया, पराठा डाल दिए हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इस पराठे को सेकेंगे। अब पलट लिया है, अब इसके ऊपर हम घी लगा देते हैं। आप वीडियो को देखते हैं तो लाइक एंड कमेंट किया करिए, आपके एक लाइक एंड कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। घी लगा के इसे अच्छे से दोनों तरफ से हम सेक लेंगे। पराठा हमारा अच्छे से सिक गया है, हम इसे अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे सारे पराठे सिक के तैयार हो गए हैं। चलिए आपको प्लेट में दिखाते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट यम्मी पराठा बनके हमारा तैयार है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, कोकोनट का मीठा पराठा बनके रेडी है। बच्चों को ये पराठा बहुत पसंद आएगा, आप एक बार बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइएगा। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।